नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं स्पर्श की। स्पर्श एक नई स्कीम लॉन्च करी गई थी एक्स सर्विसमैन के लिए, उनकी पेंशन के लिए, ताकि जो पेंशन है उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाए। स्पर्श का मतलब था यानी टच, यानी पर्सनल टच। पर हुआ यहाँ उल्टा कि जो पर्सनल टच उनको बैंकों में मिलता था वो स्पर्श में टोटली गायब हो गया। स्पर्श वो स्पर्श हो गए और कोई पर्सनल टच रहा ही नहीं। इसको चालू हुए तकरीबन एक साल से ज़्यादा हो गया है। लगातार लोग इसमें ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, उनको कोई इंटीमेशन नहीं है। कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि वो स्पर्श में ट्रांसफ़र हो गए, तो बैंक में जब जाते हैं तो पता लगता है कि आपकी तो अभी पेंशन स्पर्श से आ रही है। मैसेज भी एक आता है। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो ये स्कीम को ना कोई ट्रायल हुआ, ना कुछ इसके बारे में डिस्कशन हुई कि क्यों ये किया जा रहा है। यहाँ पे बात थी कुछ खर्चा बचाने की और कुछ सीडी अपनी एक्सपेंशन करना चाहते थे जो बाबू लोग हैं, तो उन्होंने ये पूरा सिस्टम जो बैंकों से ग्रैब करके अपने अंडर ले आए। अब उनके पास 29 लाख पेंशनरों को हैंडल करने के लिए ना तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई ट्रेनिंग थी और ना ही इसके बारे में पता था। ऐसी स्कीम अगर लॉन्च करनी थी कोई भी जो एक्स सर्विसमैनों के लिए है और उनका कोई वेलफेयर लगता है उसमें था, हालांकि इसमें अभी तक मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया सिवाय एक हरासमेंट लेडीज़ विडोज़ और बूढ़े जो पेंशन फैमिली पेंशनर हैं उनके लिए एक हरासमेंट ही इसमें नज़र आई। वो दौड़ रहे हैं एक पिलर से पोस्ट तक, कभी बैंकों तक, कभी कस्टमर केयर सेंटर तक, कभी सीडीए तक, कभी जगह जगह अप्रोच कर रहे हैं और हर साइबर कैफे में वो ट्राई कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट, बैंक डिटेल, पास, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, सारी डिटेलें साइबर कैफे वालों को दे रहे हैं इसको अपना एक लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, जो कि बैंक में सिंपली बैठ के साइन हो जाता था, कोई दिक्कत नहीं आती थी। छोटी ब्रांचों में तो और भी आसान था, वो बड़ी इज्जत मान के साथ आपको बैठाते थे और बात करते थे कि कोई प्रॉब्लम है और वो साइन हो जाता था। बड़ा एक इजी स्टेप था जिसको घुमा घुमा के कॉम्प्लिकेट कर दिया गया। मेरी तो एक सजेशन है कि ये स्कीम स्पर्श सबसे पहले एमपी एमएलएस के ऊपर में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी जो पेंशन ले रहे हैं। हम भी देखते 80 साल का जो एक एमएलए एमपी रिटायर्ड है वो किस तरह से स्पर्श को हैंडल करता है, बजाय कि इसका ट्रायल विडोज़ के ऊपर करने के लिए, एक्स सर्विसमैनों के ऊपर करने के लिए इसमें स्क्रीन को लॉन्च कर दिया और इसमें एक्स सर्विसमैन को झोंक दिया। जब यह ट्रांसफ़र हुआ तो सारा डाटा कहाँ से लिया, बैंकों से, मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर भी आ गए। जब बैंक से ये डिटेल ली तो बैंक को पीपीओ की कॉपी क्यों नहीं दी, ताकि पीपीओ लेके जो स्पर्श का पीपीओ है कोई भी आगे स्टार्ट कर देता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आई कि ट्रांसफ़र हो गए, पेंशन दूसरी जगह से आ रही है और आपको ना तो स्पर्श का पीपीओ ऑर्डर पता है, ना यूज़र आईडी पता है, ना पासवर्ड पता है। हमारे साथ भी ये हुआ और हम वेट करते रहे कि शायद आएगा मैसेज आ रहा है पेंशन का बैंक में डालने का, पर बाकी कुछ नहीं आ रहा। सबसे बड़ी दिक्कत जो है, हम इंतज़ार करते रहे कि शायद सिस्टम अपने आप ठीक हो जाएगा। दिक्कत आई लाइफ सर्टिफिकेट। हर पेंशनर को नवंबर के महीने में एक लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो जिंदा हूँ, ताकि उसकी पेंशन चालू रहे। ये बैंक में बहुत सिंपल काम था, पर अब 1 नवंबर से उसको ऐसे थ्रेटनिंग मैसेज आने लगे, आपका पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो 30 नवंबर को आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। तो एक तरह का पैनिक क्रिएट हो कर दिया एक्स सर्विसमैन के ऊपर कि आपकी पेंशन तो अगले महीने बंद हो जाएगी अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया। हालांकि बैंक भी इस तरह से नहीं करते थे, फरवरी तक वेट करते थे, अगर लाइफ सर्टिफिकेट नहीं मिला तो ही कोई एक्शन लेते थे। तो डरा दिया गया और उससे पैनिक क्रिएट हुआ। पैनिक आज सब लोग दौड़ रहे हैं, कोई इधर दौड़ रहा है, कोई इधर दौड़ रहा है। अब बैंकों के हमने नॉमिनेट कर दिया, उनके नोडल सेंटर बना दिए, सर्विस सेंटर खोल दिए, तो फ़ायदा क्या हुआ? हम बैक टू स्क्वायर वन ही आ गए। अगर बैंकों से यही काम करवाना था, आज ECHS के बाहर भी बैंक का बंदा बैठ के आपके फिंगरप्रिंट ले रहा था, अगर बैंकों से ये काम करवाना था तो पहले बैंक क्या बुरे थे? क्या गेन क्या हुआ है स्पर्श में, मुझे नहीं अभी तक समझ आया। अगर आपको समझ आया और स्पर्श में कोई गेन है तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब एक वेबसाइट के ऊपर में जो लिस्ट डाली गई है कस्टमर सर्विस सेंटर्स की, उसकी कहानी भी बताता हूँ। मैंने ट्राई किया, लुधियाना के 2 कस्टमर सेंटर निकाले,
स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, उनको कॉल किया, वो कहते हमारा स्पर्श से कोई लेना देना ही नहीं है। तो किसने वो नंबर उन लोगों के जो रहते हैं, एड्रेस सही है पर डाल दिए स्पर्श की साइट में, कैसे हुआ ये? दूसरा, जब मैसेज आता है एक 1800 वाला टोल फ्री नंबर आता है कि इस पे कॉल कर लीजिए, वो नंबर चलता ही नहीं है, नंबर जाते रिंग कट हो जाता है। एक व्हाट्सएप पे भी नंबर दिया गया था कुछ महीने पहले, हेल्पलाइन नंबर दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आज वो नंबर बिल्कुल कोई पिकअप नहीं करता है, कोई मैसेज का जवाब नहीं देता है। तो कौन चला रहा है स्पर्श को, ये अभी तक समझ नहीं आया। देखिए, आपके पास पेंशन तो आने लग गई, आपके पास यूज़र नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं है, PPO नहीं है। सबसे पहले तो आप ये जो स्पर्श की साइट है CDA इलाहाबाद की, इस पर आप अपनी डिटेल भरिए, तो कोशिश करिए सारी डिटेल, मोबाइल नंबर, बैंक वंक भरने से आपका PPO नंबर आ जाता है। अगर PPO नंबर मिल गया तो एक सिंपल सी बात जो कहीं एक्सप्लेन नहीं करेगी कि आपकी यूज़र ID क्या है, और कोई आज तक नहीं बता रहा, जो आपका स्पर्श का PPO ऑर्डर है और आप सर्विस पेंशन ले रहे हैं तो उसके पीछे 01 लगाइए, वो आपका यूज़र ID हो जाता है। अगर आप फैमिली पेंशन हैं तो 02 लगा दीजिए, वो आपका यूज़र ID है। अब यूज़र ID लगा के अगर आपको मिल गया है यूज़र ID लगाइए, स्पर्श की साइट खोलिए, अगर किस्मत अच्छी है खुल गई, क्योंकि दिनों दिन उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन पर जाइए, उस पर क्लिक करिए, स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, OTP डालिए, दोबारा चेंज पासवर्ड का आएगा ऑप्शन, एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड डाल के खोल लीजिए, पासवर्ड चेंज कर लीजिए। तो पासवर्ड जब आपने चेंज कर लिया, अपना पासवर्ड लगा दिए, तो एटलीस्ट आप लॉग इन करने के लायक हो गए हैं। अब लॉग इन करके आप पहले तो सबसे पहले वहाँ पे अपनी ईमेल ID अपडेट करिए, जो वहाँ पे नहीं करी होगी, हालांकि बैंकों में है पर वहाँ नहीं करी होगी, वो अपडेट करिए। बाकी रिकॉर्ड देखिए, जैसे मेरे केस में तो मुझे 4 साल यंगर बना दिया था, हो सकता है 4 साल नौकरी भी और कर लेते अगर स्पर्श पहले आ जाता, तो आपकी बहुत सारी गलतियाँ होंगी, खासकर आपके स्पाउस नेक्स्ट ऑफ किन में जो देखिए उसकी डेट ऑफ बर्थ और जो बाकी डिटेल्स हैं उसका, वो सही हैं? तो ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे, आप पहले अपनी प्रोफाइल चेक करिए सबसे पहले, बाकी बाद की बात बता रहा हूँ। अगर आपको आपकी प्रोफाइल में कुछ गलती लगती है तो उसे अपडेट करिए, वो सबमिट का बटन दबाइए और वो सबमिट हो जाएगा, एक टोकन जनरेट होगा, टोकन नंबर नोट कर लीजिए ताकि फ्यूचर में रेफरेंस आपके पास रहे कि आपने कोई इस तरह की जो कंप्लेंट सबमिट करी। उसके बाद सबमिट लाइफ सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन आता है, स्क्रीनशॉट में देख लीजिए, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने से दो तरह का आएगा, DLC MLC। DLC मीन्स डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, MLC मीन्स मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट। अगर आप डिजिटली नहीं कर सकते तो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करिए, एक फाइल खुलेगी, आपके नाम का एक सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, वो सर्टिफिकेट को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट लीजिए, फिर ढूंढिए कोई गजटेड ऑफिसर, जाए एक लिस्ट लंबी दी ऑफिसर से, उनसे ढूंढिए, उसकी मोहर लगवाइए, वो लगवाइए, फिर उसको स्कैन करिए, अपलोड करिए और भगवान भरोसे हो जाइए। इस चीज़ में अगर हमने चक्कर ही काटने हैं, वहाँ लोड करना है, कितने लोग कर सकते हैं? पता नहीं क्यों ये CDA या आर्मी हेडक्वार्टर से लोग सोचते हैं कि जो एक्स सर्विस मैन है वो बड़ा हाई स्पीड इंटरनेट डाटा में रहता है, मोबाइल उसके पास बड़ा बढ़िया रेजोल्यूशन वाला है, और वो हर टाइम अपने गले में एक लैपटॉप डाल के घूमता है, तो कभी भी वो पेड़ के पास नीचे बैठ के भी लॉग इन कर सकता है कोई भी चीज़ देखने के लिए, चाहे वो ECHS हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो ऐसी उम्मीद हम 80 साल के या 85 साल के 90 साल के वेटरन से कर रहे हैं। कल को आपने भी वेटरन होना है और उस टाइम में चीज़ें ऐसे आएंगी तो आप शायद इसको रियलाइज करेंगे। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आधार कार्ड बेस्ड है, आप आधार कार्ड डालेंगे, आधार कार्ड का नंबर डाला, वो ऑथेंटिकेट करेगा, वो सब प्रोसीजर के बाद आपको बोलेगा कि आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो अगर आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर है। अब फिर वहीं आ गई बात, चाहे मोबाइल से करिए चाहे लैपटॉप से करिए, फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए आपको। फिंगरप्रिंट स्कैनर सस्ते से सस्ता मार्केट में 2200-2300 रुपये का है, तो 2200-2300 रुपये तो आपके लग गए अगर आप घर में चलें, उसकी बजाय आप साइबर कैफे में जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं, तो आप सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी देते हैं, आपका यूज़र नेम ID स्पर्श का उस बंदे के पास है,
और कल को ये मिसयूज होता है, कोई डिटेल चेंज हो जाती है, कोई डिटेल डिलीट हो जाती है, तो किसकी जिम्मेवारी होगी? आज आप हमें नहीं दे रहे पर आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि ये सारी डिटेल हम एक थर्ड पार्टी को दे दें लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए। ये कहाँ का जो आपका सिस्टम है जो इस तरह से लोगों को मजबूर कर रहा है? अब हर किसी के पास वो डिजिटल अपलोड करने वाला नहीं है। अब एक सिंपल सोल्यूशन मैं बताता हूँ, ये चीज़ अब जो ये स्पर्श वाली है सब है सिर्फ एंड्रॉयड फ़ोन पे चलती है, और ये ऐप जो है बाहर बैठे हैं लोग, जो कई लोग अपने बच्चों के पास ओल्ड एज में जाके फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाते हैं वहाँ नहीं चलती है, तो उनके लिए कोई साधन नहीं है अनलेस कि आप टीम व्यूअर पे किसी के लैपटॉप पे लॉग इन करें और यहाँ से करें। और अब जो आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं, जीवन प्रणाम ऐप जो आप एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर लीजिए, वो आईफोन पे नहीं चलेगी, वो सिर्फ एंड्रॉयड बेस्ड ऐप है। जीवन प्रमाण एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आप जब उसको चलाने की कोशिश करेंगे उसमें मैसेज आएगा नो फिंगरप्रिंट डिवाइस फाउंड। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप अटैच कर लीजिए, इंस्टॉल हो जाएगी, ड्राइवर से अपने आप हो जाती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है, आप 2-2.5 हज़ार रुपये नहीं खर्चना चाहते, तो एक सोल्यूशन और है जिसमें आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं। ध्यान से सुनिए, आप आधार फेस आरडी, आधार फेस आरडी मैं लिख के साइट में शो कर रहा हूँ, ये ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे अपलोड डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। जब आपने ये ऐप डाउनलोड कर ली तो डाउनलोड करने के बाद जैसे बाकी ऐप्स में आता है कि रन, इंस्टॉल होने के बाद आता है रन, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ एक ऑप्शन आएगा अनइंस्टॉल, तो आप सोचेंगे ये रन कहाँ से होगी? ये कहीं से रन नहीं होगी, ये एक हिडन एप्लीकेशन है जो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई है, और ये सब्स्टिट्यूट है फिंगर और फेस स्कैनर का। अब उसके बाद आप जीवन प्रणाम एप्लीकेशन को रन करिए तो वो बोलेगा फिंगर फेस रिकॉग्निशन डिवाइस फाउंड, वो आपको फेस डिटेल्स भरने के बाद आपका पीपीओ नंबर, ये सब सीडीए, कौन सा पेंशन देता है, कहाँ से पेंशन आती है, कौन सी पेंशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि जीवन प्रणाम जो है सेम है सिविल सर्विसेज के लिए, तो सभी को उसमें आसान है, वो काम पहले से है उनका आसान है, ये स्पर्श को इसमें अब इन्वॉल्व किया गया है, तो आप उसमें जो स्पर्श से आती है सीडीए इलाहाबाद कर दीजिए, और सब करने के बाद आपको फोटो स्कैन करनी है। अब फोटो स्कैन करना, एक तो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, दूसरा आप बिना स्पेक्स के स्कैन करिए, और फोटो के दौरान आपको इस तरह से ब्लिंक करना है। कई वेटरन जो पुराने हैं तो थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि जब स्पेक्स लगे हैं आपकी जो फोटो है आधार कार्ड के साथ वो मैच करता है, आधार कार्ड में फोटो बिना स्पेक्स के होती है, तो आप स्पेक्स के साथ फोटो करनी है, और जब आप स्पेक्स के बिना फोटो करते हैं तो आप मोबाइल पे लिखा हुआ क्या आ रहा है वो पढ़ नहीं पाते, तो थोड़ी दिक्कत आएगी, पर घबराइए नहीं, आप ट्राई करिए, 2-3 बार ट्राई करने में आपका फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा। अगर फेस रिकॉग्नाइज हो गया उसके बाद आपको पीपीओ की डिटेल भरनी पड़ेगी, वो भर दीजिए और उसके बाद ये डन है। तो ये एक सबसे सिंपल प्रोसीजर है, हालांकि दिक्कतें और भी हैं, तो हमारी कोशिश है कि ये एक एक्स सर्विसमैन को एक हेल्प करी जाए थोड़ा बहुत, कि इन चक्रों में ना पड़े, अपना डाटा किसी को ना दे, कोशिश करे साथ में किसी की हेल्प ले ले, अगर है तो वो दूसरा बंदा कैमरा पकड़ सकता है, आपका मोबाइल पकड़ सकता है, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, अच्छी लाइटिंग हो जाएगी, और पहली बार में फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा, तो आप सबकी जो पेंशन है वो चालू रहे। हमारी ये जो हमारा एफर्ट है इसीलिए कि आप परेशान ना हो, और जितना प्रेशर है जैसे सीएससी सेंटरों के सामने लाइनें लगी हुई हैं उससे लगता है कि लोग पैनिक में हैं, ज़रूर कोई ना कोई हल निकलेगा, और अल्टीमेटली ये बैंकों को अथॉरिटी और कुछ समय के लिए मिलेगी, तो आप घबराएं नहीं, पेंशन बंद नहीं होगी, क्योंकि इतने लोगों की पेंशन बंद करना सरकार के बस में नहीं है, और बहुत बड़ा प्रेशर है, आने वाले समय में इलेक्शंस है, अगर लोगों की पेंशन बंद हुई तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और इस पे सरकार जरूर वापस बैंकों वाले सिस्टम की तरफ रिवर्ट करेगी, बहुत सारी चीज़ों में सरकार ने किया भी है, पर आप घबराएं नहीं, पेंशन बंद नहीं होगी, कोशिशें जारी रखिए, नया सिस्टम है तो कैसे ना कैसे इसमें से हमने बायोमीडिया निकाला है।
देखते रहिए हमारा वीडियो, शेयर करिए दोस्तों के साथ, एक्स सर्विसमैन के साथ, ताकि अगर उनको कोई मदद मिल सके तो हमें बड़ी खुशी होगी। धन्यवाद।